नॉट थोड़ा सा, इट्स फुल ऑन जो अडल्ट एंटरटेन होता है। प्लस फाइव सिक्स मंथ से एक नया कुछ यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो है कैनिबिस का दुकान। इस अभी प्रोसेस में, ट्रायल में है, ये लीगल हो सकता है। इधर गवर्नमेंट फेरी जो 35 का है, और इधर स्पीड बोट जो करीबन मुझे पता नहीं, कोलान मेरा नाम है शुभ और ये मेरा चैनल पार्सो ट्रैवलर, और मैं हूँ अभी थाईलैंड का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, बोलो जो भी बोलो, वो सिटी का नाम है पटाया। एक नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है, बट मैं हूँ अभी सुबह का टाइम में पटाया में, करीबन 12 बजने वाला है, और बाहर बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी मतलब बहुत गर्मी है। जब भी आप ऐसे थाईलैंड थोड़ा सा गर्म का माहौल रहता है, लेकिन बैंकॉक सिटी और पटाया इस टाइम पे 11-12 इस टाइम पे बहुत ही गर्म होता है। सो जब भी आओ थोड़ा लाइट वेट का कपड़ा लेके आना, और कभी कभी पानी पी लेना। मेरा पानी का बोतल भूल गया घर में था। एनीवे दिस इज लाइक पटाया बीच। पानी का बोतल भूल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 7-Eleven है जहाँ पे भर भर के पानी मिलता है। तो देखो अंकल इतना गर्मी में वॉक कर रहे हैं, क्या है? नहीं 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 मुझे कोलान जाना है। कोलान के लिए फेरी, या फेरी इस साइड, बिग फेरी, या हाँ बिग फेरी, या ओवर देयर, ओवर देयर राइट, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। या थैंक यू। यहाँ पे पटाया सिटी जो लिखा हुआ है उसके नीचे मेरा फेरी है। ये सारे लोग आता है यहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट के सामने, जितने सारे लाइक पैरासेलिंग होता है, और जितने लाइक बोट करके आगे जाना जाता है जो भी है उसका, लेकिन इसका चार्ज बहुत हाई है। जब भी है बर्गेनिंग कर लेना, मैं अभी तो ये सब का मूड में नहीं हूँ। तो चलते हैं कोलान के लिए। आज कोलान इट्स नॉट लाइक कोलंटा, मेरा ब्लैक आएगा क्योंकि धूप के अगेंस्ट में हो। इट्स नॉट लाइक कोलंटा, कोलंटा इज नियर बाई कड़ाबी, फुकेट के आसपास है। वो भी बहुत अच्छा एक आइलैंड है, लेकिन कोलान पटाया से बहुत ही पास है, लाइक 45 मिनट के आसपास आप पहुँच जाएंगे कोलान। एक ये कोरल आइलैंड भी बोला जाता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है वो वाला बीच। सो लेट्स गो। एक्चुअली ये जो सीन है ना, बहुत साउंड करता है। अरे भाई यार, ये जो स्ट्रीट है वॉकिंग स्ट्रीट, ये दिन में मज़ा नहीं आएगा। दिन में यहाँ पे कुछ नहीं, आपको लगेगा यहाँ पे कुछ है, इट्स लाइक ए नॉर्मल रोड। पटाया दिन में सोता है और रात को जाग उठता है। तो अभी तो फिर 10 घंटा के आसपास बाकी है ये इसको प्रॉपर जागने के लिए। लेकिन शाम के टाइम में यहाँ पे जो पार्टी होता है, जो पूरा थाईलैंड क्या पूरा वर्ल्ड में फेमस है, भर भर के टूरिस्ट आता है जो लोग पार्टी पसंद करता है। और थोड़ा सा नॉट थोड़ा सा, इट्स फुल ऑन जो अडल्ट एंटरटेन होता है, ये वॉकिंग स्ट्रीट इसके लिए फेमस है। मतलब दोनों तरफ ही बहुत सारा लाइक बार, गो बार, ये सब कुछ है। यू नो द गोगोबर में क्या होता है, इट्स अ नूड डांस होता है, यहाँ पे लीगल है तो चलता रहता है। अभी लास्ट 5-6 मंथ से एक नया कुछ यहाँ पे स्टार्ट हुआ, वो है कैनिबिस का दुकान। इस अभी प्रोसेस में, ट्रायल में है, ये लीगल हो सकता है नहीं हो सकता है ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। टूरिस्ट तो डेफिनेटली इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होता है। जो जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ के पीता है कुछ ट्रम्प के टाइप। सो पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन मेरे लिए तो ये उतना स्नाही नहीं लगा।
बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन जो आएगा थाईलैंड का ही, और उसको भी लगेगा अच्छा चलो ये तो लीगल है, चलो कर लेता हूँ। ये कुछ अलग ही फंडा है, उन लोगों का मानना है ये एक अच्छा होता है माइंड के लिए, बट हम लोग कौन उतना मेजरमेंट करके पीते हैं, राइट? पहले जो फेमस पाटाया सिटी उसका बहुत बड़ा करके वहाँ पे लिखा हुआ है जो पूरा समंदर से दिखता है। यहाँ पे बहुत सारा होटल है और पैंडमिक के बाद बहुत सारा होटल और बहुत सारा पब बार दुकान बंद हो गया था, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। मतलब पूरा जो बिजनेस था पैंडमिक ने पूरा बंद कर दिया। ठीक है चलो जाते हैं वेली हाई पियर। ये प्लेस एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पियर से खो लैंड की तरफ या बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड की तरफ जाते हैं। Do not litter. जो भी है अब कहीं पे भी जाओ साफ सुथरा, मतलब जो भी आप आपका वेस्टेज है प्रॉपर डस्टबिन में फेंको। इधर इंडिया हो इधर वर्ल्ड का किसी भी कंट्री हो, डो नॉट डू दिस। सो अभी मैं टिकट करूँगा, पहले एक बार देख लेता हूँ क्या है। पैसेंजर बोट 8 AM, 9 AM, 11 AM, 1 AM। Kolan to General Pier. Good. मैं अभी जा रहा हूँ फेरी के पास, देखता हूँ कौन सा फेरी मिले। जो पहले मिलेगा इधर गवर्नमेंट फेरी जो 30 बात का है, और इधर स्पीड बोट जो करीबन मुझे पता नहीं 150-200 बात कुछ तो होगा, देखता हूँ। फिर गवर्नमेंट फेरी का एक तो टाइम है लाइक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बीच में 1 घंटा बंद रहता है लंच के लिए। नाउ इज 11:45 और मैं जा रहा हूँ कोलान, और आप ये भी बोल सकते हो इस कोराल आइलैंड। एक बहुत ही हलचल का, अब ठीक है लेकिन गर्मी बहुत है। और एक आप अगर टोपी पहन के आते हो ना, बी केयरफुल, योर टोपी ये उठा नहीं ले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइट करके पहनना क्योंकि ये उठ जाएगा। मैं ये डिसाइड किया मैं जाने के टाइम पे गवर्नमेंट फेरी कर लेता हूँ, आने के टाइम पे स्पीड बोट, दोनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। गवर्नमेंट फेरी थोड़ा सा टाइम लगता है लाइक 45 मिनट के आसपास लगता है, और जो स्पीड बोट है वो आपको 25 मिनट में खोलान पहुँचा देंगे। अभी खोलान में मेरा को कितना टाइम लगे उसके बाद जल्दी आना है, मतलब जाने के टाइम पे टेंशन नहीं रहता, आने का टाइम पे लगता है चलो जल्दी आ जाए। सो लेट्स गो कोलान। मैं गवर्नमेंट फेरी का देख लिया, यहाँ पे बहुत बड़ा फेरी है लेकिन क्या है ना, हर एक्सपीरियंस जो पहली बार करना होता है ना वो उसका कोई जजमेंट नहीं होता। वो एक्सपीरियंस करने के बाद आप सोचते हो अच्छा ठीक है चलो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, नहीं तो ये अच्छा है। सो क्या फ़ायदा, गवर्नमेंट फेरी इज़ गुड, 30 बात
और आने के टाइम पे डेफिनेटली ये कर लेंगे स्वीट बोर्ड 150 पर। कोलान थैंक यू, डोंट नीड एनी टिकट, ओके। सो गवर्नमेंट फेरी में उठ गया हूँ, अभी देखते हैं आगे। थैंक यू। What time it will be reach in Kolan? Yes. Yeah. What time? 20 minute, 30 minute, 1 hour. Kibong ni lang. Kibong ah. Kibong, kibong ni lang 11 o'clock. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Oh, this world is busy. Busy. बहुत सारे लोग हैं ऊपर में और नीचे में, लेकिन एक तो चीज़ है ये, जब चालू होगा ना तब कोई साउंड नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि इसका जो साउंड होगा वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया। सो जो भी बोलना है अभी यहाँ पे बोल देता हूँ, फिर जब चालू होगा तो कर देंगे। ये बेसिकली हाफ एन आवर 45 मिनट लगेगा मेरे ख्याल से, अभी देखता हूँ। मैं उन लोगों को पूछा लेकिन उन लोगों का जो लैंग्वेज में उन लोग बोले तो मुझे समझ नहीं आया। सो लेट्स गो खोलान, फिर देखता हूँ क्या होता है और ख़त्म करके बहुत जल्दी भी आ जाऊँगा। पता से गवर्नमेंट फेरी जस्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारा साउंड रहेंगे, बट कुछ नहीं, एक निकला तो दूसरे उसी पियर पे आ गया था, लेकिन एक एक घंटा पे ये पियर छोड़ता है। ये 12 बजे छोड़ा, उसके बाद 1 बजे छोड़ेगा, ऐसे ही दिन भर आई थिंक 5 बजे तक ऐसे पियर छोड़ता है। ऐसे 5 बजे तक ये पियर का पाटा टू कोलान चालू रहता है। सो लेट्स गो कोलान और फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है क्या क्या होता है। ये जो पियर है इसका नाम है नाबन पियर। द लास्ट बोट इज़ एट 6 PM, मतलब पूरा दिन ही तो चलता रहता है, लेकिन यहाँ से पाटा का जो बोट लास्ट जाता है वो है 6 PM। और इस साइड है स्पीड बोट के लिए और इस साइड नॉर्मल जो गवर्नमेंट फेरी है उसके लिए। बहुत बड़ा एक वेटिंग एरिया भी है।